अथ द्वितीयखण्डः यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वम् यदस्यत्वं यदस्य देवेषु च नये यदस्यत्वं यदस्य देवेषु अथ नो मीमागंस्यमेव ते मन्ये विदितम् यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वम् ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अथ नो मीमागंस्यमेव ते मन्ये विदितम् मन्ये विदितम् एवं हेयोपादेय विपरीतस्त्वात्मा ब्रह्मेति प्रत्यायैतः शिष्यः अहमेव ब्रह्मेति सुष्ठु वेदाहं मामिति गृह्णीयात् इत्याशंक्या आचार्यः शिष्यबुद्धिविचालनार्थं यदित्याह ननु इष्टैवसु वेदाहमिति निश्चिता प्रतिपत्तिः सत्यमिष्टा निश्चिता प्रतिपत्तिः नहि सुवेदाहमिति यद्धि वेद्यं वस्तु विषयी भवति तत् सुष्ठुं वेदितुं शक्यं दाह्यमिव दग्धुमग्नेर्दग्धुः न त्वग्नेः स्वरूपमेव सर्वस्य हि वेदितुः स्वात्मा ब्रह्मेति स
सर्ववेदान्तानां सुनिश्चितोर्थः इह च तदेव प्रतिपादितम् प्रश्न प्रतिवचनोक्त्या श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्याद्यया यद्वाचा नभ्युदितम् इति विशेषतोऽवधारितम् ब्रह्मवित्सम्प्रदायनिश्चयश्च उक्तः अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति उपन्यस्तम् उपसंहरिष्यति च अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतामिति अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम् अविजानताम् इति तस्मात् युक्तमेव शिष्यस्य सुवेदेति बुद्धिं निराकर्तुम् नहि वेदिता वेदितुर्वेदितुं शक्यः अग्निरिव दग्धुमग्नेः न चान्यो वेदिता ब्रह्मणोऽस्ति यस्य वेद्यम् अन्यत् स्यात् ब्रह्मा नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ इत्यन्यो विज्ञाता प्रतिषिध्यते तस्मात् सुष्ठु वेदाहं ब्रह्मेति प्रतिपत्तिर्मिथ्यैव तस्मात् युक्तमेवाहाचार्यो यदित्यादि यदि कदाचिन्मन्यसे सुवेदेति सुष्ठु वेदाहं ब्रह्मेति कच कदाचित् यथा श्रुतं दुर्विज्ञेयमपि क्षीणदोषः सुमेधाः कश्चित् प्रतिपद्यते कश्चित् नेति साशङ्कमाह यदित्यादि इष्ट
इष्टञ्च इष्टञ्च द्र लिखा है नहीं इष्टञ्च येषु क्षिणी पुरुषो दृश्यते येषात्मेति ह उवाच येषात्मेति ह उवाच एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इत्युक्ते प्राजापत्यः पण्डितोऽपि असुरराड् विरोचनः स्वभावदोषवशात् अनुपपद्यमानमपि विपरीतमर्थं शरीरमात्मेति प्रतिपन्नः तथेन्द्रः देवराट सकृत द्विस्त्रिस्त्रिरुक्तं च सकृत द्विस्त्रिरुक्तं च अप्रतिपद्यमानः स्वभावदोषक्षयमपेक्ष्य चतुर्थे पर्याये प्रथमोक्तमेव ब्रह्म प्रतिपन्नवान् लोके प्येकस्मात् गुरोः शृण्वतां कश्चित् यथावत् प्रतिपद्यते कश्चिदयथावत् कश्चित् विपरीतम् कश्चिन्न प्रतिपद्यते किमु वक्तव्यमतीन्द्रियमात्मतत्त्वम् अत्र हि विप्रतिपन्नाः सदसद्वादिनस्तार्किकाः सर्वे तस्मादविदितं ब्रह्मेति सुनिश्चितोक्तमपि विषमप्रतिपत्तित्वाद्यदि मन्यस इत्यादि साशङ्कं वचनं युक्तमेव आचार्यस्य दहरमल्पमेवापि नूनं त्वं वेत्थ जानीषे ब्राह्मणो ब्रह्मणो रूपम् किमनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि महान्त्यर्भकाणि च येनाहदहरमेवेत्यादि बाढम्
अनेकानि हि नाम रूपोपाधिकृतानि ब्रह्मणो रूपाणि न स्वतः स्वतस्तु अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत् इति शब्दादिभिः सह रूपाणि प्रतिषिध्यन्ते ननु येनैव धर्मेण यद्रूप्यते तदेव तस्य स्वरूपमिति ब्रह्मणोऽपि येन विशेषेण निरूपणं तदेव तस्य रूपं स्यादत उच्यते चैतन्यं पृथिव्यादीनामन्यतमः चैतन्यं पृथिव्यादीनामन्यतमस्य सर्वेषां विपरिणतानां वा धर्मः न भवति तथा श्रोत्रादीनामन्तःकरणस्य च धर्मो न भवतीति ब्रह्मणो रूपमिति ब्रह्मरूप्यते चैतन्येन तथा चोक्तं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म विज्ञानघन एव सत्यं ज्ञानमनन्तं प्रज्ञानं ब्रह्म इति च ब्रह्मणो रूपं निर्दिष्टं श्रुतिषु सत्यमेवं तथापि तदन्तःकरणदेहेन्द्रियोपाधिद्वारेणैव विज्ञानादिशब्दैर्निर्दृश्यते तदनुकारित्वात् देहादिवृद्धिसङ्कोचच्छेदादिषु नाशेषु च न स्वतः स्वतस्तु अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् इति स्थितं भविष्यति यदस्य ब्रह्मणो रूपमिति पूर्वेण सम्बन्धः न केवलमध्यात्मोपाधिपरिच्छिन्नस्यास्य ब्रह्मणो रूपम् त्वमल्पं वेत्थ यदपि अधिदैवतोपाधिः
परिच्छिन्नस्यास्य ब्रह्मणो रूपम् देवेषु वेत्थत्वम् तदपि नूनं दहरमेव वेत्थेति मन्येऽहम् यदध्यात्मं यदध्यात्मं यदधिदैवम् यदधिदैवम् तदपि च देवेषु उपाधिपरिच्छिन्नत्वाद्दहरत्वात् न निवर्तते न निवर्तते यत्तु विद्वस्त्व सर्वोपाधिविशेषम् शान्तमनन्तमेकमद्वैतं भूमाख्यं नित्यं ब्रह्म न तत्सुवेद्यमित्यभिप्रायः यत एव मथनु तस्मान्मन्येद्यापि मीमांस्यम् विचार्यमेव ते तव ब्रह्म एवमाचार्योक्तः शिष्य एकान्त उपविष्टः समाहितः सन् यथोक्तमाचार्येणागममर्थतो विचार्य तर्कतश्च निर्धार्य यथोक्तमाचार्येण आगमम् अर्थतो विचार्य तर्कतश्च निर्धार्य स्वानुभवं कृत्वा आचार्य सकाशमुपगम्यो वाच मन्येऽहमथेदानीं विदितं ब्रह्मेति अथ द्वितीयखण्डः दूसरे खंड का उपनिषद में आरंभ होता है। उपदेश की श्रुति माता ने वही संवाद रूप योजना अभी बनाए रखी है। इस योजना के अनुसार सबसे पहले तो विद्यार्थी ने प्रश्न किया, उस प्रश्न का 7 मंत्रों में श्रुति माता ने पूर्व खंड में उत्तर दिया आचार्य के मुख से, और वह उत्तर सुनने के बाद वो जो मुमुक्षु शिष्य है, जिज्ञासु शिष्य है, श्रवण के बाद उसको प्रतिपत्ति हुई, उसको ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को उसने अपने आचार्य के सामने प्रस्तुत किया, उस ज्ञान का उल्लेख किया, उसको सुना है आचार्य ने, और सुनने के बाद तो कहीं वो सशंकित हैं, शिष्य के ज्ञान के प्रति उनको थोड़ी शंका है, आचार्य को शंका है
कि इसकी जो प्रतिपत्ति है वो शायद उचित नहीं है, शायद उचित हो भी सकती है। शायद लगाएं तो इसका अभिप्राय दोनों पक्षों में जाता है, और इसलिए ये जो प्रथम मंत्र है द्वितीय खंड का, वो आचार्य का वचन है। यदि यदि शब्द शायद के अभिप्राय को व्यक्त करता है। यदि ऐसा यदि तुम मानते हो, यदि मन्यसे सुवेद इति, अगर तुमने कहीं ऐसा माना है माने भावना नहीं की है, जाना है, यदि कहीं तुम्हारी प्रतिपत्ति ये है कि मैंने ब्रह्म को अच्छी तरह से समझ लिया, सुवेद इति, तो इस विषय में मुझे ये कहना है कि त्वम नूनम, नूनम माने निश्चितम, त्वम नूनम दहरम एव अपि ब्रह्मणो रूपम वेत्थ, ये अन्वय हुआ। त्वम नूनम दहरम एव अपि ब्रह्मणो रूपम वेत्थ, तो तुमने निश्चय ही ब्रह्म के बड़े ही अल्प रूप को जाना है। दहरम माने क्षुद्रम अल्पम, ब्रह्मणो रूपम दहरम वेद वेत्थ, तुमने ब्रह्म के क्षुद्र रूप को अल्प रूप को ही जाना है। नूनम शब्द से क्या बोलते हैं, निश्चित रूप से ऐसा ही तुम्हारा ज्ञान है। कारण क्या है, अगर तुमने उसको अध्यात्म परिच्छिन्न माना तो भी अल्प है, यदि तुमने उसको अधिदैव परिच्छिन्न है ऐसा जाना तो भी अल्प है। यदस्य त्वम, यद अस्य त्वम माने अगर अध्यात्म परिच्छेद, त्वम माने अध्यात्म परिच्छिन्न, जब हम आपको तुम बोलेंगे तो आप क्या समझोगे, मैं, है ना, तुमने ऐसा क्यों किया तो आप क्या बोलते हो, मैंने ऐसा नहीं किया या किया है। तो आचार्य का जो त्वम है वो शिष्य का है, शिष्य का अहम है, मूर्खों सावधान रहो। एकदम आना चाहिए ना, आचार्य ने जब कहा त्वम तो आपका क्या बना वो अहम, तो शिष्य को यहाँ क्या बोलते हैं, त्वम वेत्थ यद अस्य त्वम, अस्य माने ब्रह्म, ब्रह्मणः, ब्रह्म का जो त्वम रूप से तुमको ज्ञान है माने अहम रूप से ज्ञान है, जो तुमको ब्रह्म का अहम रूप से ज्ञान है वो भी क्षुद्र है। चलो जी, बोले हम तो यही समझते थे। इसीलिए तो ये थोड़ा विचालन मंत्र है। यदस्य त्वम, अच्छा, यदस्य देवेशु, और अगर किसी ने उसको किसी देव परिच्छिन्न के रूप में समझा है तो वो भी क्षुद्र ही है, वह भी ब्रह्म का क्षुद्र रूप ही है। यद अस्य देवेशु, तो दो तरह से लोग ब्रह्म को प्रायः जानते हैं, अहम रूप से अथवा देव रूप से। अहम रूप से जानने का अभिप्राय है अध्यात्म परिच्छिन्न ब्रह्म, देव रूप से जानने का अभिप्राय है अधिदैव परिच्छिन्न ब्रह्म। दोनों ही जो ज्ञान है वो दहरम अल्प ही हैं,
नूनम दहरम एव तुम वेत्था, निश्चय है हे शिष्य कि तुमने ब्रह्म के अल्प रूप को ही जाना है, समझा है, ऐसा मैं कहता हूँ। और चूंकि ऐसा है इसलिए मेरी सलाह यह है कि अभी तुम सुने हुए पर और विचार करो। अथ नु मीमागमस्यमेवते, अथ मने अब, चूंकि तुमने ऐसा जाना है इसलिए अब, नु निपात है, मीमागमस्यमेवते, मीमांस्यम, मीमांस्यम मने विचार्यम, तुम्हारे लिए अभी भी ब्रह्म ज्ञात नहीं है, विचारणीय है, तुमको अभी और मनन की, विचार की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है। देखो, ऐसा कोई शिष्य होगा और ऐसा कोई आचार्य होगा, उन्होंने आते ही उसके ऊपर, उसके सिर के ऊपर घड़ों पानी उड़ेल दिया उनके हित के लिए। अथनु मीमांस्यमेव ते, अच्छा, अब वो आज्ञाकारी शिष्य है, श्रद्धालु है, वो फिर मनन करता है, अपनी साधना बढ़ाता है, मनन में गहराई लाता है, प्रमादी नहीं है, तामसिक नहीं है। व्यक्ति अगर लगन वाला हो, सात्विक हो, तो एकांत रचनात्मक होता है, तामसिक हो तो एकांत में जाएगा, सोएगा, एक ही काम, प्रमाद करेगा, कोई सृजन नहीं हो सकता उसके द्वारा, उसके लिए एकांत वर्जित है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है चौराहे पे रहो, वहाँ तुम सो नहीं सकते, अगर सोए तो उधर से स्कूटर वाला मार देगा। माने गो टू द फील्ड, तमस से बाहर निकलो। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, तुम तो कर्म में जाओ, कर्म का क्षेत्र तुम्हारे भीतर से तमस की धुलाई करेगा। लेकिन ये प्रमादी लोग कई बार जो है ना, अध्यात्म के नाम पर कर्म से भागते हैं और रह जाते हैं तमस में। ना 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 ना, शास्त्र में एकांत सबके लिए विहित नहीं है, तामसिक के लिए बिल्कुल विहित नहीं है, प्रमादी के लिए बिल्कुल विहित नहीं है। कर्म ही उसका साधन है। तो ये शिष्य तो अधिकारी है, जाता है और गहरा मनन करता है, मनन निदिध्यासन श्रवण हो चुका है, तो तीव्र मनन निदिध्यासन करने के बाद फिर सद्गुरु के पास आता है, हाथ जोड़ा उसने, बोले प्रभु मन्ये विदितम, आखिरी वाक्य किसका है, शिष्य का है, मन्ये विदितम, अब मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे ज्ञान है। ये योजना है किसकी, श्रुति माता की, श्रुति स्वयं ही संवाद की योजना बना करके हमको समझाती कि कभी कभी श्रवण के बाद ऐसा भी होता है कि शिष्य को अन्यथा प्रतिपत्ति हो गई है, तो उसमें उसको सुधारने की जरूरत रहती है। इस स्थिति को दिखाने के लिए श्रुति माता ने ये प्रसंग उठाया, बोलते हैं अब भाष्य देखिए, अर्थ हो गया इसका। अगर आपको अलग से अकेले अर्थ करना हो तो बिना अनुवाद की मदद के आप कर सकते हो कि नहीं। मैंने बोल दिया, कर लेना चाहिए,
ग्रंथ का अनुवाद भी सही होगा, लेकिन हमेशा उस पर आश्रित मत रहिए, क्योंकि कई बार आप इधर उधर भी जा सकते हो। यदि मन्यसे सुवेदैति, यदि तुम ऐसा मानते हो कि मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो नूनम त्वं ब्रह्मणो रूपम दहरम एव वेत्था, तो निश्चित रूप से तुमने ब्रह्म का अल्प रूप ही जाना है। अल्प रूप क्या है ब्रह्म का? यदस्य त्वं, उसको अहम रूप से जानना, अथवा यद अस्य देवेशु, या फिर उसको किसी देव में जान लेना, देव रूप में जान लेना, ये दोनों ही ब्रह्म का अल्प ज्ञान है। और हमें लगता है कि तुमने ऐसा ही जाना है, इसलिए अथनु मीमांस्यमेव, वो वैदिक उच्चारण में मीमागम ऐसा बोल देते हैं, अथनु मीमागम स्यमेवते, इसलिए तुम्हारा अभी ब्रह्म ज्ञान विचारणीय है, उस पर तुमको अभी मनन करना चाहिए, मीमांस्यमेवते। और फिर वो मनन करने के बाद लौटे हैं और बोलते हैं, हाँ संकोचम भवति किमर्थम भयम्। तो अदृढ़ ज्ञानत्वात् असंदिग्ध क्यों नहीं होता, मन्ये विदिताम। भाष्य देखिए, पूर्व खंड का तो स्मरण कराते हैं भाष्यकार, एवं हेयोपादेय विपरीतः तु आत्मा। पूर्व खंड में जो उपदेश किया गया उसका सार रूप से निर्वचन कैसे किया जाए, भाष्यकार बोलते हैं एवं इस प्रकार से पूर्व खंड के आधार पर ये कहा जा सकता है कि आत्मा वह वस्तु है जो हे नहीं है और जो उपादेय नहीं है। एवं हेयोपादेय विपरीतस्तु आत्मा, और वही आत्मा फिर ब्रह्मे थी, वही आत्मा ब्रह्म है। व्हाट ए डिस्क्रिप्शन! आठ मंत्रों का, कहिए सात मंत्रों का सार कैसे लिखा जाता है, देखो आप भगवान के चरणों में भक्ति रख के देखो, भाष्यकार के चरणों में। एवं हेयोपादेय विपरीतस्तु आत्मा, और फिर वही आत्मा ब्रह्मेति प्रत्यायितः शिष्य, शिष्य को ऐसा बोध कराया गया, आत्मा का स्वरूप बताया गया, फिर वह आत्मा निरतिशय है, परिच्छेद शून्य है, ऐसा बोध कराया गया। प्रत्यायितः शिष्यः, अच्छा और क्या बोध हुआ उसको? अहमेव ब्रह्मेति, अहम सत्ता ही ब्रह्म है। सुष्ठु वेद अहम माम, और मैं तो अपने को बहुत अच्छी तरह से जानता ही हूँ। सुष्ठु वेद अहम माम, मैं तो अपने को, ये कौन बोलेगा कि मैं अपने को ठीक से नहीं जानता? ये तो कोई बोल सकता है कि आपके बारे में मैं थोड़ा ठीक से नहीं जानता, लेकिन ये तो भ्रम किसी को होता नहीं जल्दी कि मैं अपने को ठीक से नहीं जानता। कोई कह दे कि आप अपने को जानते नहीं तो नाराज हो जाता आदमी, बोले अच्छा अब आप हमको हमारे बारे में बताओगे?
ये नाराज होता है। अब हम ही को हमारे ही बारे में आप बताने लग गए। अरे भाई क्या क्या मतलब है, मैं अपने को नहीं जानता। सुष्ठु वेद अहम माम, मैं तो, अरे तुम क्या जानते हो मेरे बारे में, मैंने हजार चीज तुमसे छिपा रखी है। ऐसा वर्ष तो सबसे अच्छा तो अपने बारे में मैं ही जानता हूं। तो अहम ब्रह्म इति ऐसा तो बोध हुआ, और फिर अहम के बारे में क्या ज्ञान है, सुष्ठु वेद अहम मामिति गृह्णीयात, शायद शिष्य ने ऐसा ग्रहण कर लिया होगा, कर लेगा, इति आशंका, इस आशंका से आचार्य युक्त हुए। और फिर इति आशंका आचार्य शिष्य बुद्धि विचालनार्थम यदि इति आह, तो आचार्य इस शंका से युक्त हो करके शिष्य बुद्धि को हिलाने के लिए क्या शब्द लिखा, शिष्य बुद्धि विचालनार्थम, चोटी पकड़ी होगी इसलिए चोटी जरूर रखा करो। मुसलमान की तरह हमारे एक ब्रह्मचारी वैदिक विद्या सीखने आए और मुंडन कराने भेजा तो मुसलमान बन के आ गए। चोटी नहीं रखना माने क्या है ना, इसमें से कोई कोई लोग न कोपी अस्ती। अच्छा मैं देखूंगा फिर, पता नहीं शिखा सूत्र में शर्म आती, बताओ कमाल है। और वो भी हमारे ब्रह्मचारियों को, पढ़ने वालों को भी कभी कभी आती है और जो पढ़ चुके हैं उनको भी आती है। वो अपना हेयर कट करवाएंगे लेकिन शिखा नहीं रखेंगे, उसमें शर्म नहीं आती। शंकराचार्य जी से मिलने हम गए गोवर्धन पीठ के पुरी में, उड़ीसा साम्राज्य के सारे ब्रह्मचारी हमारे साथ थे, हमारे यहाँ के पढ़ाए हुए। जब सबने एक एक करके प्रणाम किया उनको, तो एक ब्रह्मचारी जी ने प्रणाम किया तो बोलते हैं, हे ब्रह्मचारी तुम्हारी शिखा किधर है। अब तो प्रणाम करते समय सिर तो झुकाया था तो सब दर्शन तो हो गया था, जेब में से थोड़ो निकाल के दिखा सकता है। अब मुझे बहुत शर्म आई वहां, मेरे देख के बोलते हैं ये ब्रह्मचारी ही है ना, सन्यासी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं महाराज जी हैं तो ब्रह्मचारी, अब बताओ मुझे क्या कहना है। परंपरा में कोई चिन्ह होता है सबका। तो बुद्धि विचालन के बड़ा काम आती होगी शिखा, बुद्धि विशिष्य बुद्धि। अमलों की तरफ देख के नहीं बोल रहा हूँ मैं, उनका तो बहुत बड़ी चोटी होती है, वो वहाँ तो सुविधा है, इधर हाथ में नहीं आते कभी कभी, चोटी कटवाई तो फिर अब क्या पकड़ा जाए इनका। शिष्य बुद्धि विचालनार्थम यदि इति आ, यदि शब्द का उच्चारण किया आचार्य ने, किस लिए किया, शिष्य बुद्धि के को विचलित करने के लिए। तो पूर्व पक्षी ने भाष्यकार से कहा कि महाराज शिष्य बेचारा, उसको शिष्य से बड़ी सहानुभूति है, पूर्व पक्षी को, वो कहता है बताइए ज्ञान तो निश्चित प्रतिपत्ति, निश्चित जो ज्ञान है वो तो होना ही चाहिए, उसको विचलित क्यों करना है, उसको अगर करना ही है तो सुस्थिर किया जाए। बोलते हैं ननु इष्टा एव सुवेद अहम इति निश्चिता प्रतिपत्ति ही, सुवेद मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इस प्रकार का निश्चित ज्ञान तो
इष्टा एव वांछित ही है, इट इज मोस्ट डिजायर्ड। फिर ऐसा क्यों गुरु ने किया? भाष्यकार कहते हैं सत्यम, आपने जो कहा वो ठीक है। इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति, ये निश्चित है, निश्चित ज्ञान की जरूरत है, निश्चित ज्ञान वांछित है। सत्यम इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति, नहीं सुवेद अहम इति, लेकिन मैं अपने को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, प्रतिपत्ति का ये रूप नहीं हो सकता। ज्ञान का ये रूप नहीं हो सकता। क्यों? बोलते हैं यदि ही वेद्यम वस्तु विषयी भवति, जो वेद्य वस्तु है विषय बनती है, तत् सुष्ठु वेदितुम शक्य है, उसको कोई अच्छी तरह से जान सकता है, कोई कम अच्छी तरह से जान सकता है, कोई और कम अच्छी तरह से जान सकता है। अच्छी तरह से जानना नहीं जानना ये सब बातें कहाँ घटती हैं? जहाँ कोई चीज हमारे ज्ञान का विषय बनती है, वेद्य बनती है, ये बोलते हैं। यदि ही वेद्यम वस्तु विषयी भवति तत् सुष्ठु वेदितुम शक्यम, कैसे? जैसे अग्नि के संपर्क में कोई लकड़ी आई तो वो पूरी जल गई, नहीं जली, कम जली, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि एक दाह्य वस्तु सामने है और अग्नि कौन है? दाहक है। सो दाहक अग्नि दाह्य वस्तु को अच्छी तरह से जला दे या कम अच्छी तरह से जला दे, पूरी जला दे, ना जलावे, गीली हो तो। लेकिन कोई कहे कि अग्नि ने अपने आप को ही अच्छी तरह से जला दिया, ये तो गलत बात है। अच्छी तरह से जला दिया, अरे वो तो दहन क्रिया का विषय ही नहीं बन सकती, क्योंकि उष्णता उसका अपना स्वरूप है। सो अगर वो क्रिया ही नहीं हुई तो वो क्रिया पूरी हुई कि अधूरी रह गई, कि अच्छी तरह से हुई कि अच्छी तरह से नहीं हुई, ये तो सवाल ही नहीं उठता। पहले तो क्रिया होनी चाहिए ना, दहन क्रिया, इवन द एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस, ये बोलते हैं। देखो दृष्टांत देते हैं, दाह्यम इव दग्धुम अग्ने है, दाह्यम, दाह्यम माने जैसे लकड़ी इत्यादि, दग्धुम ये क्रिया है और अग्ने है ये दाहक है। तो बोले जैसे अग्नि का किसी दाह्य को दहन कर देना ये ठीक है, लेकिन दग्धो न तु अग्ने है स्वरूपमेव, दग्धो बोलते हैं ये जो दग्धा है, दहन करने वाला है अग्नि, उसी को कोई दहन नहीं कर सकता। क्यों? स्वरूपमेव, वो तो उसका अपना स्वरूप है, उसमें दहन क्रिया क्यों होगी? बोले अग्नि ने अग्नि को भली प्रकार जला दिया, अरे स्वात्मनि क्रिया विरोधात, वहां तो कैसे होगा। इसी तरह से सर्वस्य ही वेदितु स्वात्मा ब्रह्म इति, सारे ज्ञाताओं का आत्मा है ब्रह्म। सर्वस्य वेदितु स्वात्मा ब्रह्म इति, सर्व वेदांतानाम सुनिश्चितो अर्थ है, सारे वेदांतों का यह निश्चित अर्थ है कि सारे ज्ञाताओं का आत्मा ब्रह्म है। अब ज्ञाता ने क्या किया? हाँ, ज्ञेय को भली प्रकार जानने की बजाय
अपनी आत्मा को बलि प्रकार जान लिया। अरे अपनी आत्मा में ज्ञान की क्रिया का प्रवेश कैसे होगा? ज्ञे में ज्ञान की क्रिया का प्रवेश होगा, ज्ञाता की आत्मा में ज्ञान की क्रिया का प्रवेश नहीं हो सकता। ये बोलते हैं सर्वस्य ही वेदितो स्वात्मा ब्रह्मेति सर्ववेदांतानां सुनिश्चितो अर्थः इह च तदेव प्रतिपादितं प्रश्न प्रतिवचनोक्त्या। और इस केनोपनिषद में भी यही बात प्रतिपादित की गई। यह च माने केनोपनिषद में, इस उपनिषद में भी यही बात प्रतिपादित की गई। किस रूप से? हाँ, प्रश्न प्रतिवचनोक्त्या, संवाद रूप से प्रतिपादित की गई। किस रूप में? शब्द क्या है? श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्याद्यया, इन वचनों से। यद्वाचा अनभ्युदितम इति विशेषतो अवधारितम, और उसी ज्ञान को तो चौथे मंत्र से लेकर के आठवें मंत्र तक विशेष रूप से अवधारित किया गया, उसको दृढ़ किया गया। फिर परंपरा का उल्लेख हुआ, ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चयश्च उक्तम, जो ब्रह्मविदों का जो संप्रदाय है उनका निश्चय भी बताया गया। क्या निश्चय था? अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति। ये तो आगम प्रमाण का भी उल्लेख हुआ, ये तो संप्रदाय के निश्चय का उल्लेख है। ब्रह्मविद देखो कैसे समराइज करते हैं, पूर्व खंड के कहे हुए को कैसे उठाते हैं। श्रोत्र से श्रोत्रम उठा लिया, फिर वाचो यद वाचा अनभ्युदितम, अब आगम वाक्य को उल्लेख करते हैं। आगम वाक्य क्या है? ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चय, ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चयश्च उक्तः अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति उपन्यस्तम्। वह विदित से अन्य ही है, अविदित से भी अन्य ही है। इस प्रकार से केनोपनिषद की श्रुति ने उपन्यास किया। उपन्यास किया माने आरंभ किया। और उपसंहार कहाँ करेंगी? आगे चल के करेंगी। उपसंहरिष्यति च विज्ञातम विजानताम अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इति। आगे के मंत्र में ये मंत्र आएगा, जहाँ श्रुति ये कहेगी कि जो नहीं जानता है वही जानता है। अविज्ञातम विजानताम, जो जानने वाले लोग हैं उनको यही ज्ञान है कि ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता, और जो नहीं जानने वाले लोग हैं उनको यही ज्ञान है कि ब्रह्म को जाना जा सकता है। ये अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम इति, ये आगे उपसंहार करेंगे। आगम वाक्य का उपन्यास किया था, कौन सा वाक्य था वो? अन्यदेव विदितात् अविदितादि, वो उपसंहार वाक्य है, सॉरी उपन्यास वाक्य है। और उपसंहार वाक्य ये आया, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इति। तो इस प्रकार से तो श्रुति चलती है। श्रुति का ये कहना है कि जो स्वरूप है वेत्ता का, वेदिता का, ज्ञाता का, उस स्वरूप में जानने की क्रिया घटती नहीं, और इसलिए सुष्ठु वेद अच्छी तरह से मैं जानता हूँ ये वाक्य कभी भी बनेगा नहीं। इसलिए तस्मात
युक्तम एव शिष्यस्य सुवेद इति बुद्धि निराकर्तुम। इसलिए गुरु अगर उसकी इस बुद्धि का निराकरण करना चाहते हैं तो ये सही ही है। अगर कहीं उसने ये प्रतिपत्ति बना ली है कि अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ और मैं तो अपने बारे में अच्छी तरह से जानता ही हूँ, तो इस बुद्धि का निराकरण करना उचित ही है। आगे आएगा इसका उल्लेख और पहले आगे चलते हैं। नहीं वेदिता वेदित हो वेदितुम शक्या। बोले जो वेदिता का भी वेदिता है, वेदित हो वेदिता माने जो ज्ञाता का भी ज्ञाता है, उसी को ये ज्ञाता जान ले, ये कहाँ संभव है। दृश्य अपने दृष्टा का दृष्टा नहीं होता। ये नहीं वेदिता वेदितुः वेदितुम शक्यः। कैसे? दृष्टांत वही चल रहा है, अग्नेरिव दग्धुम अग्नेः। अग्नि ने अग्नि को ही जला दिया, ऐसा जैसे संभव नहीं है, वैसे ही ज्ञाता ने जाना, जानने की क्रिया की, किसमें? ज्ञाता में। ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। बोले अच्छा प्रभु, ऐसा हमें लगता है, ऐसा नहीं हो सकता कि इस दृष्टा आत्मा को किसी और दृष्टा ने जान लिया हो। एक ब्रह्म है जो निश्चित रूप से ज्ञाता का आत्मा है, ठीक है, तो यह ज्ञाता उसको नहीं जान सकता, लेकिन कोई और दूसरे के शरीर में बैठा हुआ कोई दृष्टा होगा, वो उठ के इसको जान ले, ऐसा मानना है तो फिर दृष्टा की अनेकता माननी पड़ेगी। एक दूसरी अनवस्था होगी। अनवस्था कैसी होगी कि इस दृष्टा को जानने के लिए फिर एक और दृष्टा, तो अवस्थान कहाँ होगा? कौन है अल्टीमेट सीयर? वो कोई तय नहीं होगा। सभी एक दूसरे के ज्ञेय बनेंगे, सभी एक दूसरे के दृष्टा बनेंगे। ये देखो, तो कोई भी दृष्टा नहीं रहा और वास्तव में सभी दृश्य हो गए। योग दर्शन पर थोड़ा आक्षेप है और श्रुति का विरोध है। क्या बोलते हैं? बहुत सुंदर है ये वाक्य, याद रखना चाहिए। कभी मन में आ जाए कि सबके दृष्टा अलग अलग होते हैं, पुरुष भेद के कारण दृष्टा भेदी बना दिया। भेद कहाँ है? देहों में। उस भेद का आरोप कहाँ किया? दृष्टा में। तो श्रुति माता बोलती हैं, न च अन्यो वेदिता ब्रह्मणोस्ति यस्य वेद्यम अन्यत् स्यात् ब्रह्म। भाष्यकार कहते हैं भाई देखो, वेदिता का कोई और वेदता ब्रह्म है नहीं जिसका कि यह वेद्य बने। श्रुति ने स्वयं कह दिया है, नान्यत अतोस्ति विज्ञातृ। ये अंडरलाइन कर लेना। श्रुति मंत्र है कि इसका और कोई विज्ञाता नहीं है, न अन्यत अतो अस्ति विज्ञातृ। इति अन्यो विज्ञाता प्रतिषिध्यते। श्रुति ने किसी अन्य विज्ञाता का निषेध कर दिया। आप समझते हो, इन्हीं मंत्रों को बेस करके फिर दृग्दृश्य विवेक में ये वाक्य बनेगा, दृगेव न तो दृश्यते। हाँ, ऐसे दृक एव माने देयर इज ए अल्टीमेट सीयर, जिसका और कोई दृष्टा नहीं है। ये दृगेव न तो दृश्यते, उसी पर वो वाक्य श्रुति से यहाँ पुष्ट हुआ। श्रुति वाक्य है, न अन्यत अतो अस्ति विज्ञाता विज्ञातृ।
इति अन्यो विज्ञाता प्रतिषिध्यते, इस प्रकार से किसी अन्य विज्ञाता का निषेध कर दिया श्रुति माता ने, इसलिए तस्मात् सुष्ठु वेद अहम् ब्रह्म इति प्रतिपत्ति ही मिथ्या एव, इसलिए मैं ब्रह्म को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, यह जो ज्ञान है ना ये गलत है, मिथ्या एव, ये अपने को भली प्रकार से जानता हूँ। अरे तुम अपने को व्यक्तित्व रूप में भली प्रकार से जानते हो, अगर कोई अपने को भली प्रकार से जानता भी है तो वो अपने कौन अपने को भली प्रकार जानता है, अपने विशेष व्यक्तित्व को, अपने विशेषणों को, अपने स्वभाव को, अपने कर्म को, अपने विचारों को, अपने माने चेतन को कोई भली प्रकार से नहीं जानता। और तुमने कह दिया अहम ब्रह्म, अध्यात्म परिच्छिन्न ब्रह्म, तो चूंकि अपने को हम अच्छी तरह जानते हैं और मैं ही ब्रह्म हूं, इसलिए ब्रह्म को भी अच्छी तरह जानते हैं, हो गया काम, गलत है वो, मिथ्यैव तस्मात्, इसलिए युक्तम एव आह आचार्यः यदि इत्यादि, इसलिए यदि शब्द अगर उसके ज्ञान में आचार्य ने लगाया है तो ये ठीक ही किया है। यदि कदाचित, अब यदि शब्द की व्याख्या करते हैं, बड़ी सुंदर व्याख्या है, यदि कदाचित मन्य से, देखो एक एक पद की व्याख्या सुंदर, उसका जो सौंदर्य है वो निकाल लेते हैं भाष्यकार। पहला शब्द है ना यदि, श्रुति का पहला शब्द है यदि, अब आए उस पर, पहले उसके औचित्य पर भाष्य लिखा, अब उस पर भाष्य लिखते हैं, यदि यदि कदाचित मन्य से, चिन्मय से मत पढ़ देना, यदि कदा चिन्मय से संस्कृत नहीं जानता हो व्यक्ति बिल्कुल ही, तब तो ऐसे ही पढ़ेगा यदि कदाचित मन्य से सुवेद इति, सुष्ठु वेद अहम् ब्रह्म इति, यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूं, कदाचित, कदाचित क्यों लगा रहे हैं आचार्य, स्वयं शंका में है, बोले हाँ स्वयं शंका में है, क्योंकि दुर्विज्ञेयम् यथा श्रुतम दुर्विज्ञेयम् अपि, जैसा सुना हुआ है वह दुर्विज्ञेय होने पर भी क्षीण दोष सुमेधा कश्चित, कोई निर्मल अंतःकरण वाला सुंदर मेधा वाला प्रतिपद्यते, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को ज्ञान ही न हो और सबको ही दौड़ के जाना हो एकांत में। क्या बोलते हैं भाष्यकार, अपनी लेखनी से लिखा उन्होंने, दुर्विज्ञेयम अपि, दुर्विज्ञेय होने पर भी क्षीण दोष सुमेधा कश्चित प्रतिपद्यते, कश्चित न इति, कोई प्रतिपन्न हो जाता है और किसी को नहीं होता है इसलिए साशंकम आह यदि इत्यादि, इसलिए यदि शब्द में आचार्य की शंका दिखाई जाती है, ये हो सकता है तुम्हें सही भी ज्ञान हो, लेकिन अगर ऐसा है तो वो ज्ञान सही नहीं है, इस पर पुनः विचार करो, कल देखना पड़ेगा, समय आज बीच में ही हो गया, क्यों करो मैं नदीवत भाष्यधारा प्रवहती, सरितावत, सरिता की तरह भाष्य बहता है, बीच में रोकने में बड़ा अटपटा लगता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।